स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो कि क्लास 11th का नीट जूलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो हम लोग बहुत क्विकली ये चैप्टर का जो टिश्यू पोर्शन है, एनिमल टिश्यू पोर्शन, ये कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो हियर द चैप्टर स्टार्ट विथ द टॉपिक टिश्यू। तो टिश्यू है क्या? हम लोग सब सेल के बारे में जानते हैं, वी ऑल नो अबाउट सेल। अब सेल से टिश्यू कैसे बना हुआ होता है, पहले ये शॉर्टकट में देख लेंगे। तो बहुत पहले यानी कि अर्थ में जब लाइफ का शुरुआत हुआ था, धीरे धीरे लाइफ फ्लोरिश होते गया और प्रोटोजोआ जैसा ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, भैगाबंड जैसा इधर उधर घूमते फिरता था। और ये एक ही सेल को, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था तो एक ही सेल को सारे काम करना पड़ता था, रेस्पिरेशन भी, एक्सक्रेशन भी, रिप्रोडक्शन भी, सारे काम, है कि नहीं? तो इसलिए अब क्या हुआ, ये लोग एक दिन डिसाइड किया कि हम लोग कॉलोनी में आ जाएंगे, हम लोग कॉलोनी मतलब एक साथ इकट्ठा रहने लगेंगे। तो इकट्ठा रहने लगने से फ़ायदा क्या मिला, इकट्ठा रहने लगने से ये कॉलोनी बना लिया। इकट्ठा रहने से इन लोगों को फ़ायदा क्या मिला, फ़ायदा ये मिला कि इन लोगों का जो काम है ये लेवल ऑफ डिविजन अलग अलग हो गया। मान लो कि ये जो सेल है ये फूड कैप्चर करने का काम करते हैं, ये जो सेल है ये डाइजेशन करने का काम करते हैं, ये एक्सक्रीशन करने का काम करते हैं, ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से कॉलोनी में डिवीजन ऑफ लेबर बन गया, यानी कि फंक्शन के ऊपर के हिसाब ऊपर बेस करके, लेबर के ऊपर बेस करके इन लोगों में मॉडिफिकेशन हुआ। अब एक साथ रहते रहते वो सारे सेल एक दिन भूल गए कि हम लोग कभी एक सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी हुआ करते थे। तो वो लोग ने क्या किया, वो लोग से बन गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? ये कॉलोनी एक दिन मॉडिफाई होके बना दिया क्या, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? अब देखो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहला मल्टीसेलुलर एनिमल क्या है, पहला मल्टीसेलुलर एनिमल हम लोग सब जानते हैं, ये भाई छेदी सिंह, याद है कि नहीं? छेदी सिंह यानी कि पोरीफेरा सबसे पहला मल्टीसेलुलर एनिमल है, ठीक है? लेकिन इन लोगों में सेलुलर एग्रीगेट तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पोरीफेरा में सिर्फ सेलुलर ग्रेड देखने को मिलता है, हम लोग जानते हैं कि टिश्यू ग्रेड देखने को नहीं मिलता है, यानी कि पोरीफेरा में टिश्यू क्यों नहीं है, मल्टीसेलुलर है फिर भी टिश्यू नहीं है। तो टिश्यू किस चीज़ को बोलेंगे, टिश्यू, ओके। ये सारे जो सेल्स है, ये सारे सेल का ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए, क्या सिमिलर होना चाहिए, ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए, और क्या सिमिलर होना चाहिए, इन लोगों का स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होना चाहिए। तो इन लोगों का ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए, पहला चीज़, ये लोग एक ग्रुप में होना चाहिए, दूसरा ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए, उसके बाद स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए, उसके बाद क्या सिमिलर होना चाहिए, उसके बाद इन लोगों का फंक्शन सिमिलर होना चाहिए, उसके बाद वन इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो कि ये सारे चीज़ पॉलीफेरा में था, स्पॉन्जेस में था, लेकिन ये जो सेल्स है ये आपस में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्टेड नहीं थे। जैसे कि एक दीवार जब हम लोग बनाते हैं, दीवार बनाने के समय एक ईटा के ऊपर दूसरा ईटा, इस तरह से ईटा रख देंगे तो दीवार थोड़ी बन जाएगा भाई, दीवार थोड़ी ना बन जाएगा। अब इन लोगों के बीच में करना प्यार क्या पड़ेगा, सीमेंट मारना पड़ेगा, सीमेंट से ईटा को चिपकाना पड़ेगा। तो ये सेल्स को भी सीमेंटिंग मटेरियल से चिपकाया जाता है, इसको बोला जाता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब
अब ये पांचों क्राइटेरिया जब फुलफिल करेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर ऑरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हु आर कनेक्टेड विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, तब इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग टिश्यू ग्रेड बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम लोगों के बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में कुछ टिश्यू मिलेगा, और वो सारे टिश्यू अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग रेशियो में, अलग अलग ओरिएंटेशन में, अलग अलग फंक्शन को लेके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग के बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग सिस्टम में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, डिवीजन मतलब अलग अलग वैराइटीज, एंड लेबर मतलब फंक्शंस। तो फंक्शंस के हिसाब से स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, और स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन बदल जाते हैं, इसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, अब हम लोग टिश्यू के बारे में डिटेलिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एनिमल बॉडी में बेसिक टिश्यू क्या क्या होता है, एनिमल बॉडी में बेसिकली फोर टाइप ऑफ टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एंड लास्टली न्यूरल और नर्वस टिश्यू, न्यूरल या नर्वस टिश्यू। और ये चार ही तरह का टिश्यू से हम लोगों के बॉडी के सारे सिस्टम और सारे ऑर्गन बना हुआ है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू है क्या। एपिथेलियल टिश्यू, ये वर्ड आया है दो वर्ड को मिला के, एपी का मतलब होता है अपन, ऊपर, और थेलिया का मतलब होता है ग्रो या कवरिंग, यानी कि एक टिश्यू के ऊपर, बॉडी के एक स्ट्रक्चर के ऊपर, एक स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए या एक स्ट्रक्चर का बाउंड्री बनाने के लिए, जैसे कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर का जो बाउंड्री बना के रखा है बाहर से और अंदर से, और अंदर से जो बाउंड्री बना के रखा है यानी कि इनर लाइनिंग, ये जो टिश्यू बनाते हैं उसको बोला जाता है एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्ट करते हैं, यानी कि बॉडी के अलग अलग टिश्यू के बीच में ये लिंकिंग करते हैं, और ये अलग अलग टिश्यू को सपोर्ट देते हैं, फ्रेमवर्क का भी काम कर सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क भी करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि हम लोगों के हड्डी हम लोगों के कंकाल स्केलेटन, हम लोगों का बॉडी का ढांचा बनाता है, इसको बोलाता है फ्रेमवर्क, ठीक है। ये सपोर्ट भी देते हैं हम लोगों के बॉडी को, ये कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन्स को बाहर की तरफ से प्रोटेक्शन भी देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों के कैप्सूल, रेनल कैप्सूल किडनी को प्रोटेक्शन देते हैं, पेरिकार्डियम हार्ट को बाहर से प्रोटेक्शन देते हैं, फिर सबम्यूकोसल लेयर स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि उन लोगों के अलग अलग टिश्यू को चिपका के रखते हैं, सीमेंटिंग टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, सीमेंटिंग टिश्यू है, पैकेजिंग टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है मस्कुलर टिश्यू। अगर मसल नहीं होगा तो हम लोग बॉडी में मूवमेंट तथा लोकोमोशन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और क्या करते हैं मस्कुलर टिश्यू, हीट जेनरेट करते हैं, हीट जेनरेट कर सकते हैं,
जैसे कि अगर तुमको थोड़ी सी ठंडी महसूस हो रही है तो तुम क्या करो, तुम थोड़ा जॉगिंग कर लो, ठीक है, दौड़ लो, चक्कर मार लो, तो तुम्हारा मसल में क्या होगा, हीट जनरेट होगा, तो मसल हीट जनरेट कर सकते हैं। और लास्टली न्यूरल या नर्वस टिश्यू, ये क्या करते हैं, इसका काम होता है दुनिया को सेंस करना, सेंस डिटेक्शन, सेंस प्रोसेसिंग, इसका काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये है न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू का फंक्शन। ओके, तो अब हम लोग पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में देखेंगे।